हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, आज जॉब वैकेंसी जो है, आप लोगों का इंतजार रहता है आप लोगों को कि इस कंपनी का जॉब वैकेंसी आया, और मुझसे सवाल भी करते हैं बार बार। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो कंपनी है मेंटेनेंस सऊदी अरबिया की, जो सराको है, और प्रेजेंट टाइम में मैं भी उसी में काम करता हूँ। तो सराको की जो है वैकेंसीज गई हुई है, और बहुत सारे कैटेगरी का गया हुआ है, और इसका इंटरव्यू जो है 2-3 फेज में होने वाला है। 28 फरवरी को है, 3 फरवरी को है, और 28 फरवरी और 3 मार्च और 5 मार्च को होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले जॉब वैकेंसीज कैटेगरी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि बहुत से दोस्तों को सवाल रहता है कि सराकों में इंटरव्यू देने के बाद से टाइम कितना लगेगा। तो दोस्त, ये जान जाइए कि अभी टाइम लग रहा है, अभी जितने वैकेंसीज गए हुए हैं और जितने सराकों का इंटरव्यू इससे पहले जो हुआ है, सबको 2 महीना 3 महीना टाइम लगा है। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा। ये इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर करता जाऊंगा, बाद में लास्ट में मैं बताऊंगा कि वैकेंसीज क्या क्या है और कौन कौन सी कैटेगरी का है। पहले आप लोगों का सवाल जो है उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो इसमें टाइम लगने वाला है, ये भी इंटरव्यू होगा तो टाइम लगेगा। इसमें देखिए, कंपनी को जब जैसे जरूरत होती है उस तरह ही आदमी को लेके आता है। अभी रूल्स, बहुत से वीजा रूल्स चेंज हुआ है, इसके वजह से भी टाइम लगता है, और बहुत लार्ज वैकेंसीज होने की वजह से भी टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, सराको इंटरव्यू सिर्फ पटना में ही नहीं करता है, आपको पटना में करता है, मुंबई में करता है, दिल्ली में करता है। सबसे ज्यादा मुंबई में इंटरव्यू होता है और पटना में होता है। तो मुंबई में जो है एक्सेस पार्टनर वगैरह में होता है, एक्सेस में है, अलुदैप में है, यहाँ पे इंटरव्यू चलता है मुंबई में। जो मुंबई वाले हैं वहाँ पता कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, आप लोगों का सवाल रहता है कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगता है दोस्त, आपको अगर सबर है तो फिर सराकों में जाइए, अगर सबर नहीं है तो फिर दूसरी कंपनी में देखिए, क्योंकि टाइम लगेगा। इसमें सराकों में टाइम लगता है। अब टाइम मैक्सिमम 2 से 2.5 महीना लग ही जाता है। अब इसमें बता दो, देखिए सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद से आपका सिलेक्शन होने के बाद से कंपनी को सारा जितने भी है, जैसे मुंबई में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद से पटना में हुआ, सब इंटरव्यू का जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, सारा चीज दमाम में आता है, हेड ऑफिस में। दमाम क्या करता है, आपका अप्रूवल भेजता है, अगर उसमें से भी सिलेक्शन होता है, दमाम उसमें से भी सिलेक्ट करता है। यहाँ पे वहां तो सिलेक्ट हो गया, क्लाइंट सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये याद रखिए कि क्लाइंट अगर सिलेक्ट कर लेता है तो 100% जो है आपका सिलेक्शन होता ही होता है, उसमें वीजा आना ही आना है। बहुत ही मतलब ऐसा रियर केस में होता है जो कि आपका सिलेक्शन हुआ और आपका वीजा नहीं आया। तो होता क्या है कि दमाम हेड ऑफिस आता है, और हेड ऑफिस जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करता है और अप्रूवल भेजता है। अप्रूवल भेजने के बाद से आपका जो है ऑफिस आपको कॉल करेगी मेडिकल के लिए, मेडिकल कराएंगे, उसके बाद से फिर जो आगे का प्रोसेस होगा उसमें 15-20 दिन 25 दिन जो लगता है लगता है। ये सब करते करते 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो आप लोग जो है सब्र रखा कीजिए, सवाल पूछते हैं सराकों को, और याद रखिए कि ये है मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस में जो आता है वो सही रहता है। सराकों के बहुत से ग्रुप है, मेंटेनेंस है, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन है, सप्लाई है, ये भी याद रखिएगा। आप लोग सवाल करते हैं कि सर सप्लाई है या मेंटेनेंस है, तो देखिए जो मेंटेनेंस का वैकेंसी जाता है वो मेंटेनेंस लिखा रहता है, जो ह्यूमन रिसोर्स का जाता है, जो सप्लाई है, उसका भी लिखा रहता है। तो आप लोग देख करके आया कीजिए कि मेंटेनेंस है या सप्लाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया होगा। और जो है, अब यहाँ से आपको वैकेंसीज बता दूं कि क्या क्या वैकेंसीज है अभी, और ये 28 फरवरी को जो है ये इंटरव्यू होने वाला है पटना नास लाइन में। नास लाइन का ऑफिस का डिटेल्स में वीडियो, कई पुराना वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी दे दूंगा डिटेल्स, इस वीडियो में भी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इनको चाहिए क्या क्या। सैलरी तो उम्मीद है कि जो भी है ले रहा है, और गल्फ रिटर्नर जाएगा तो सही है, जल्दी हो जाएगा। और जो सराको का है, पूर्व एम्प्लाई है, जो फ्यूचर यहाँ पे काम करके जा चुका है, वो अगर जाएगा तो उनका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो अगर सराको का रिटर्नर है वो भी जाए, गल्फ रिटर्नर वो भी जाए। एक चीज याद रखिएगा, जितना टेक्नीशियन ग्रुप है वो टेक्नीशियन को 5 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
समझे। डिप्लोमा जो है 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये याद रखिएगा तो आप जाइएगा, नहीं तो फिर इंटरव्यू नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, क्लाइंट इंटरव्यू नहीं लेगा। जिस भाई को अगर डिप्लोमा नहीं है, अगर आप टेक्नीशियन है, ठीक है, आप टेक्नीशियन है, आपको काम अच्छा मालूम है, डिप्लोमा नहीं है, डिप्लोमा के लिए हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको डिप्लोमा दिलवा दूंगा, ठीक है। आज तक मैं इस वीडियो क्लियर नहीं किया था, लेकिन आपको अगर चाहिए डिप्लोमा तो डिप्लोमा संपर्क कीजिए, बेहतरीन और अटेस्टेड डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर भी काम हो जाएगा। तो आप बता दो पोजीशन क्या क्या है। देखिए एसी टेक्नीशियन है, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन है, ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन है, बीएमएस ऑपरेटर है, बॉयलर टेक्नीशियन एंड ऑपरेटर है, ठीक है, कार मैकेनिक, कारपेंटर और सेंट्रल नेटवर्क टेलीफोन टेक्नीशियन, क्लीनिंग सुपरवाइजर चाहिए, कटर कटर टेक्नीशियन फॉर प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। इलेक्ट्रिशियन को कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिशियन को डिप्लोमा लगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का डिप्लोमा लगेगा। सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन है, एसटीपी डब्ल्यूटीपी टेक्नीशियन एंड ये आपको ऑपरेटर भी चाहिए, इनको टेक्नीशियन और ऑपरेटर मैकेनिकल और ये दोनों चाहिए, ठीक है। लिफ्ट टेक्नीशियन इनको चाहिए, उसके बाद से फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए, फायर फाइटिंग टेक्नीशियन, जनरल मैकेनिकल, जनरल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जनरेटर टेक्नीशियन, सॉरी जनरेटर मैकेनिकल चाहिए और जनरेटर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल चाहिए, होम अप्लीकेंस टेक्नीशियन चाहिए, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन, पंप टेक्नीशियन, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सिस्टम मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर एसी टेक्नीशियन चाहिए इनको, सीनियर सिविल मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए, सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, मेडिकल गैस टेक्नीशियन, ठीक है दोस्त। सैलरी देख लीजिए, मैं आपको बता दूं 1500 से 1800 इस बीच में आपका लगेगा, आप रिटर्नर होंगे तो 1700 1800 भी लग जाएगा सबका, 1500 से 1600, 1800 से 2200 सैलरी है, जैसे ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन है इनका 1800 से 2200 है, तो इस तरह से रेंज है, मैं इस पे डिटेल्स लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से पूरा सैलरी रेंज है, और 3 तारीख को जो है वो भी बता दूं मैं, ये 5 मार्च को है, 5 मार्च को है ये जो है, इसमें भी सेम देखिए सेम कैटेगरी है, सब कुछ सेम है, 2 दिन इंटरव्यू है, एक 28 तारीख को है, एक 3 तारीख को भी है और एक 5 मार्च को भी है, एक 3 मार्च को, एक 5 मार्च को, सेम कैटेगरी है, सेम सब कुछ है, आप उसमें भी सारा सेम कैटेगरी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है, मैं वो भी लगा दूंगा, 5 28 वाला भी लगा दूंगा और आपको 5 वाला भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। सराकों में जो आना चाहते हैं अभी अच्छा है, आप लोग आ सकते हैं, आप लोग इंटरव्यू जाके दीजिए, इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का हेल्प चाहिए पटना ऑफिस में, नर्सलैंड में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, मैं आपको वहां पे हेल्प करा दूंगा। डिप्लोमा के रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। सऊदी काउंसिल वगैरह आपको अगर यहाँ आने के बाद करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका करके दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह का वीडियो पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा कि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा कि हमें भी उसकी बेनिफिट मिले। अल्लाह हाफिज़।